संपत्ति की लालच में चचेरे भाई की हत्या करने वाले विवेक सिंह को सीकरीगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में प्रयुक्त हसिया भी बरामद कर ली है। पुलिस कार्यालय में घटना का खुलासा करते हुए एसपी साउथ ने बताया कि मामला जमीनी बंटवारे का है। हत्यारोपी विवेक सिंह के दादी के पास 4.5 बीघा जमीन थी, जिसको उन्होंने अपने 3 लड़कों में से 2 लड़कों को जमीन का बैनामा कर दिया था, जिससे अभियुक्त के अपने ही चाचाओं से नफरत हो गई थी। उसी को लेकर विवेक ने अपने चचेरे भाई विनय सिंह की हत्या कर दी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी ने बताया, सिकरीगंज थाने में और वो काफी छत बिछत हो चुका था। उस शव को प्रथम दृष्टया हमारे पुलिस के अधिकारियों ने और जो देखा तो ये लगा कि कहीं ना कहीं ये मामला हत्या की तरफ जाता है। इसकी गहराई से खोजबीन जांच बीच की गई, पता चला कि घर के निकट ही वहाँ पर शव बरामद हुआ था, उसी के घर के निकट ही शव फेंका गया था। इसकी पहचान की गई और ये पहचान में ये पता करने की कोशिश की गई हमारे पुलिस टीम के द्वारा कि आखिर ये हत्या का मोटिव क्या है और कौन कर सकता है। इस दिशा में जब गहराई से छानबीन की गई तो उसके भाई विवेक सिंह पर पूरा शक गहरा हुआ और जब पूछताछ की गई तो उसने बाद में स्वीकार किया कि हाँ, मैंने ही अपने भाई की, तो मेरा चचेरा भाई है, उसकी हत्या भूमि की लालच में जो उसके नाम से थी उसे हम लेने की लालच में मैंने उसकी हत्या कर दी है तथा उसका शव खेत में फेंक दिया और उसने जो आला कत लगा जिससे उसकी हत्या की उसको उसने बरामद कर दिया। हत्यारोपी क्या करता है? ये कुछ नहीं करता था, घर पे ही रहता था, खेती बाड़ी देखता था। इसका वैमनस्य बस इतना ही था कि जो कुछ भूमि इसके बाबा के नाम थी, जो उन्होंने अपने अन्य 2 बेटों के नाम तो दी थी लेकिन तीसरे बेटे यानी हत्यारे के पिता के नाम नहीं की थी, इस बात को लेकर वो काफ़ी रंजित रखता था और गांव के लोगों से ये कहता भी था या अपने दोस्तों से भी कहता था या इससे भी कहता था कि ये जमीन तो मैं लेके रहूँ। जो हत्यारा है इसकी वही शिक्षा दीक्षा नहीं है, प्राथमिक अवस्था में इसने शिक्षा छोड़ दी थी पढ़ाई और इसमें इसने खुद ये बताया, मुझे लगा कि मैं ये मर जाएगा तो ये ज़मीन मुझे मिल जाएगी। इसने गांव के कुछ लोगों से कहा भी क्या किसी की हत्या करने पर क्या पैसे से लोग छूट जाते हैं, ऐसी बात भी लोगों ने गांव वालों ने बताई कि हाँ इस तरह के कुछ सवालात होता था और पुलिस का पूरा शक गहरा गया कि हाँ यही हत्यारा है। बाद में उसने स्वीकार भी किया, आला कर्म भी बरामद किया और माफ़ी मांगते हुए कह रहा कि हाँ उससे गलती हुई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए।